नमन, तुम ही हमारे प्रेमी हो? दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है। हम नहीं हैं हमारे प्रेमी। मिस्टर जी, हमने आपको धोखा नहीं दिया है। तुम क्या कह रहे हो? ये हुई ना बात। नमन, सच सच बताओ, क्या ये महिला पुलिस थाने वालों ने तुम्हें प्रेशर किया था ये कबूल करने के लिए कि तुम ही अमर प्रेमी हो? बताओ नमन, जो सच है वो बताओ। डराया था तुम्हें, धमकाया था? हसीना जी, सबूत है हमारे पास कि कैसे आपने अपने थाना की इज्जत को बचाने के लिए एक मासूम को डराया, धमकाया, उससे कन्फेस करा। देखिएगा आपके इस थाना का इज्जत को कैसे हम मिट्टी में मिलाते हैं। तुम्हारे पास सबूत है बुलबुल पांडे, लेकिन हमारे पास सच है जो ज्यादा दिनों तक दबा हुआ नहीं रह सकता। ये जो तुम्हारे नापाक मंसूबे हैं ना, हम इन्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। लगाओ जितना जोर लगा सकते हो, सच तो बाहर आएगा, क्योंकि ये महिला पुलिस थाना है। ना यहाँ से कोई मुजरिम खोला गया है और ना ही हमने कभी किसी बेगुनाह को सजा दी है। का? उसने ऐसा कहा हमारे बारे में कि हम उसको धमका रहे थे? इसकी मैया का, बिल्ले से पूछो बिल्ला वहां था। हमने कितना जज्बात से जज्बात मिलाकर उससे बात किया था, वैसा बात कर रहे हमारे बारे में? बिल्ले बताओ। पूछने के लिए कहा भी किससे, वो भी बिल्ले से। नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, आपका प्रभाव ही ऐसा होता है हमेशा कि आप हमें भी कभी कहती है ना कि आइए आपके पैर दबा देते हैं, तो हमें सुनाई देता है आइए आपका गला दबा देते हैं। बहुत हंसी आ रहा है। नहीं, इसमें हमारा गलती नहीं है कि आपके कानों ने इस्तीफा दे दिया है। अब हम आपको पुष्पा जी बोलते, आपको सुनाई आता है चुड़ैल, तो हम क्या करें? आपने हमें चुड़ैल कहा? नहीं, हमने कहा नहीं, ऐसा आपको सुना ही आ सकता है। नहीं, नहीं नहीं, आपने कहा इसलिए हमने सुना ना। नहीं, हमने कहा नहीं, ऐसा सुनेंगी आप चुड़ैल। मैडम, पुष्पा जी की जो बात है उससे हम थोड़ा सा मतलब इतु सा सहमत है। हाँ, मतलब आपने हमें ही चुड़ैल कहा। हाँ, है ना। मुक्का मारेंगे पुष्पा जी को। समझ में आया किसको? और एक शब्द और निकला ना अभी तुम्हारे मुंह से, तो ये नमन का गुस्सा ना साथ में मिलके गला दबा देंगे यहीं तुम्हारा। माँ। हाँ, तो फिर क्यों ऐसी हरकतें करते हो? हाँ, हमारी बहू रानी है वो। हमारा दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका है, हमें सामने भी नमन दिखाई दे रहा है। योगा करने का जरूरत है हमको। योगा नहीं, योग ही है, वो नमन ही है। नमन हाँ। करो। भाई, तुम्हारे पास इतना गुर्दा आ गया कि तुम खुद यहाँ मार खाने चले आए? हम हैं इसी लायक, आप मारिए मैडम हमें। तुमने बोला हाँ, रुकिए मैडम, रुकिए। ये बुलबुल पांडे की तरफ से आया है, आपको उकसाया ताकि आप उसको मारो और वो हिडन कैमरे से ये सब शूट करे और इसका केस मजबूत हो। हम देखते हैं हिडन कैमरा कहाँ है। नहीं, हिडन होगा। बिल्लू, पीछे हो जा। हिडन? अरे जब वो कह रहा है नहीं है कैमरा। ओके, आई डन। सॉरी मैडम जी, हमसे गलती हो गई और हमें यहाँ पे किसी बुलबुल ने नहीं भेजा है, हम खुद माफी मांगने आए हैं आपसे। हम पूरी रात सो नहीं पाए, हम यही सोच रहे थे कि आपने तो हमारी इज्जत बचाई और हमने धोखा दी आप। हाँ दिया ना तुमने धोखा, दिया काहे दिया धोखा, सच का ही नहीं बताया। हम डर गए थे कि मिस्टी को पता चलेगा कि हम ही हमारे प्रेमी है तो वो हमसे दोस्ती भी तोड़ लेगी, इसलिए हम बता नहीं पाए कुछ भी। तुम्हारा इस बेवकूफी के चक्कर में ना हमारा चीता हुआ सजा काट रहा है, तो क्यों तुम सच नहीं बता देते मिस्टी को? हाँ, क्या दिक्कत है तुम्हारा भाई? नहीं मैडम जी, हमसे ये नहीं हो पाएगा। आप कुछ भी कहोगे हम वो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम ये नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाओगे तो हमें भी अचार नहीं डालना है तुम्हारा। दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो लगा देंगे कंटा पभी। दफा। रुक जाओ नमन। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद।
एक बात बताओ ना मन, हम जैसा कहेंगे क्या तुम वैसा करोगे? हाँ मैडम सर, लेकिन करना क्या होगा? तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। कोऑपरेट? कैसा कोऑपरेट मैडम सर? अपने गंजेपन की वजह से जो तुम अपना कॉन्फिडेंस खोते जा रहे हो वो हम वापस लाने की कोशिश करेंगे। दोगे हमारा साथ? ठीक है मैडम सर। पुष्पा जी? जी मैडम सर। काउंसलिंग? हाँ 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 मैडम सर। पुष्पा जी ध्यान से, मैं चाय पी कराता हूँ। जी आप आइए, गुस्सा काबू में रखिए, हम सब संभालेंगे। मैडम सर ये एक नंबर का टोपा इंसान है, इससे सच नहीं बोला जाता है। महिला पुलिस थाने की इज्जत का कचरा कर दिया और आप इसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रही हैं। कॉन्फिडेंस नहीं, इसका कन्फेशन चाहिए मैडम सर। करिश्मा सिंह, कॉन्फिडेंस के जरिए ही कन्फेशन भी मिलेगा, आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैडम सर आइडिया दे रही है या फिर चूरन दे रही है? अब एक बात बताओ, कनेक्शन और कन्फेशन में क्या कॉन्फिडेंस? नहीं नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस और कन्फेशन में क्या कनेक्शन? अमर नहीं, कनेक्शन और अमर जो बोला नहीं जा रहा वो किसी के भेजे में का घुसेगा, हमको कुछ और सोचना होगा, ये फ्लॉप आइडिया है। आप दोनों को सोचने की जरूरत नहीं, ये केस मैं सॉल्व करूंगा बिल्कुल स्पॉट। तुम्हारे चार बाल उलझ जाते हो, उसको तुम सुलझा नहीं पाते हो, तुम केस सुलझा दोगे? नहीं 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 मैडम, ये केस सॉल्व करने के लिए जो चीज चाहिए ना वो चीज मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास। हमें ऐसा कौन सा चीज है जो हमारे पास नहीं है, जो मैडम सर के पास नहीं है लेकिन तुम्हारे पास है? दिस वन। आओ कायदे में रहो तुम, क्या हमारे पास दिमाग नहीं है? तुमको नहीं लगता तुम ज्यादा बोल रहे हो? एक कंटाप मारेंगे ना दाईं तरफ बाईं तरफ के बाल झड़ जाएंगे तुम्हारे सारे। नहीं नहीं मैडम, मैडम देखो गलतफहमी हो गई, ये मतलब दिमाग के ऊपर ये जो टकला है ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ मेरे पास है, बिल्ड द स्पाई के पास, और ये टकला मुझे लायक बनाता है ये केस सॉल्व करने के लिए, समझा? ऊपर से टकला अंदर भूसा, तुम्हारे ऊपर क्या निर्भर होंगे आप? भागो यहाँ से, हम करेंगे ये सॉल्व, हम कुछ सोचते हैं। ठीक, हम सोचते हैं, हम सोचेंगे इस केस के बारे में, क्योंकि ये केस हम ही सॉल्व करेंगे, बिकॉज आई एम बिल्लू द स्पाई। ये देखो इनके सर पे बाल नहीं है, मगर अपनी फिल्मों में हीरो विलन गाड़ियां सबको उड़ा उड़ा के कितने बड़े निर्देशक बन गए हैं, है ना? और ये इन्हें देखो, इनके सर पे भी बाल नहीं है, मगर इनके सोशल मीडिया पे करोड़ों चाहने वाले हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि सर पे बाल नहीं है मगर इन्होंने भी अपना मुकाम बना लिया ना, तो बात बाल होने से नहीं अपने नेक ख्यालों से बनती है। सिर्फ दो तीन सक्सेसफुल लोगों को दिखाकर आप हम गंजों की दुनिया नहीं बदल सकती मैडम। सच कहूँ ना तो हम गंजों को ना तो प्यार मिलता है, ना इज्जत मिलती है, और ना ही हमारी शादी होती है। मिलता है तो सिर्फ रिजेक्शन। अब आप ही बताइए, बचपन से लेकर अभी तक किसी आदमी को गंजे होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, बताइए मैडम। तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है, गंजे लोगों को भी प्यार मिल सकता है, इनफैक्ट मिलता है। ऐसा ही है मैडम, जरा बताइए आपका अनुभव प्यार में क्या कहता है? प्यार में इनका अनुभव आई लव यू कहता है। पुष्पा जी अब तुम क्या कहना चाहते हो हमें समझ में नहीं आ रहा। मैडम हमारा अनुभव से मतलब ये है कि आपका प्यार में क्या एक्सपीरियंस है, क्या कभी आपको किसी गंजे आदमी से प्यार हो सकता है? नहीं। देखा? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि इन्हें किसी बाल वाले इंसान से पहले से प्यार हो चुका है। देखा, हम भी तो वही कह रहे हैं कि लड़कियां किसी भी गंजे आदमी को पसंद नहीं करती हैं। जरा आप बताइए, जरा सोचिए जरा सा कि जिससे आप प्यार करती हैं अगर वो गंजा होता तो क्या आप उससे प्यार करती? हाँ हाँ क्यों नहीं, हमें इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैडम आपका चेहरा देख के पता चल रहा है कि आपको फर्क पड़ता है या नहीं। ये सब बातें ना किताबों में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में इनका कोई वैल्यू नहीं होता है। अरे सुन, ओहो इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के चक्कर में मैडम सर हमारे काउंसलिंग का कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है, इसके लिए कुछ नया तरीका ढूंढना पड़ेगा।
आप ये मैरिज ब्यूरो बंद कर देंगी ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा वापस। वो मैडम सर, नमन के लिए मेरे पास एक आइडिया है। वाह नमन भाई, क्या लग रहे हो यार, एकदम हीरो। एक ऑटोग्राफ दो ना। ये क्या किया आप सबने? भला किया आपका, आपको बाल चाहिए थे ना, हमने आपको बाल दे दिए। अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, फिर आपकी शादी हो जाएगी, फिर आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर आप बाल बच्चे वाले हो जाएंगे। आ रहा है कॉन्फिडेंस? आ रहा है। यस, कॉन्फिडेंस नहीं है, एलर्जी आ रही है हमको, खुजली हो रही है हमको बहुत जोर से। अरे हमको विक्स से एलर्जी है। पानी पानी कहाँ है? पानी तो देने वाला। लो लो पानी। पानी कहाँ है? अरे पानी आया है। पानी पानी तो हमको क्यों आया? तू क्यों? अरे चाय तू क्या चाय? ठंडी चाय लेके। पानी 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 दूर। कहाँ से पानी? पानी कहाँ है हमको? आप लोगों को क्या लगता है कि हमने ये सब खुद ट्राई नहीं किया? हवा से लेके दवा तक सब बदल दिए, फिर भी हमारे बाल नहीं आए एक भी। डायबिटीज के पेशेंट हैं, इसलिए हेयर वेविंग भी नहीं करवा सकते। इस सब से कुछ नहीं होगा मैडम सर, हमको कुछ और सोचना होगा। क्या कोई आइडिया है आपके पास? आई 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 करकी भाई। नहीं नहीं, बदबू आ रही है। बदबू मर जाएगा आदमी। अरे फिर का। बाबा ये गोबर में से बिल्लू की बदबू क्यों आ रही है? अबे गोबर से बिल्लू की नहीं, बिल्लू से गोबर की बदबू आ रही है। हाँ तो बात तो एक ही हुई ना। वो क्या हुआ कि मैं ये गोबर लेने तबेले में गया तो तबेले ने मालकिन ने मुझे गोबर तो दे दिया, लेकिन ऊपर से पैसे मांगे। मुझे क्या पता गोबर के लिए पैसे लगते, और आपको तो पता है मेरे पास पैसे होते नहीं, तो मैंने गोबर चुरा लिया। और जैसे मैंने गोबर चुरा लिया उसने देख लिया। किसने? मालकिन ने? नहीं नहीं, भैंस ने। हाँ भैंस ने देख लिया, वो साइड में ना खुटे पे बंधी हुई भैंस थी, उसने देख लिया, उसने आवाज लगा दी। मालकिन को? नहीं नहीं, भैंस को। वो साइड में दूसरी एक भैंस थी खुटे से बंधी। अरे गंदा कर दिया गंदे आदमी। सच सच सच, उसको आवाज लगाई और उसने मुझे देखा और पूछ मार दी। वैसे मैं किचन 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 में गिर गया और मैं भागा वहां से, तो मेरे पीछे पड़ी भैंस। भैंस संतु जी, भैंस कैसे पड़ सकती? वो तो खुटे से बंधी थी ना, मालकिन मेरे पीछे पड़ी, तबेले की मालकिन वो मेरे पीछे पड़ी। लेकिन मैंने तो शपथ ली थी कि गोबर लेकर आऊंगा, इसलिए गोबर से लथपथ होके आया, लेकिन शपथ नहीं तोड़ी। भले मैं हुआ गोबर से लथपथ। अरे बिल्ले तब ये भी बता दे कि तू सच में गोबर लाने गया था कि भैंस ने तेरे ऊपर कर दिया? निकल रही निकल निकल गोबर चोरी पे उतर आए हो तुम, जो दिमाग में भरा हुआ है वो कहाँ लेने गए थे तुम? हाँ ये गोबर मैं अपने लिए नहीं, अपने मित्र नमन के लिए लाया हूँ। नमन भाई ये गोबर तुम हफ्ते भर के लिए लगाओ लगाओ, ये तुम्हारे बंजर जमीन पर ऐसे बालों के खेत लहलाएंगे, देखना। अरे मैंने भी ट्राई किया है। तो आपके बाल क्यों नहीं आए अभी तक फिर? आ, वा, वा। बाल किस लिए चाहिए? कॉन्फिडेंस के लिए। मैंने 3 दिन गोबर लगाया, मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया। देखो नमन, अगर तुमको मिष्टी का प्यार और सर पे बाल चाहिए तो फिर ये ट्राई करो ये गोबर। हाँ ट्राई करो, कर लो कर लो कर लो कर लो। आप लोग कह रहे थे हम कोशिश करेंगे, ठीक है करो करो, लेकिन नमन एक बात याद रखो, बुलबुल पांडे को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हम सबसे मिलते हो। ठीक है। अब जाओ तुम नाले में नहा के आओ। जाओ जाओ जाओ, साफ भी तो करना ना। हाँ फिर आओ, तुम दोनों मुझे नहलाओ। पागल क्या है? जाओ बिल्ले, बिल्ले भाग 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 भाग। क्या चलता है इन सब का, हर जगह बदबू फैलाएगा। उम्मीद है ये बिल्ले का गोबर वाला आइडिया काम कर जाए। हाँ बेचारा। अरे
गाय क्रिमिनल है कि मच्छर जो जेल के अंदर भर दियो है। अरे इतना फोकस करके सोने का कोशिश कर रहे हैं, सुन नहीं दे रहा है सब। मच्छर का कुछ व्यवस्था व्यवस्था करवाइए भाई, जिंदगी बर्बाद कर दिया काट के। अरे भाई आदमी से और का उम्मीद कर सकते हो, ये तो खुद एक मच्छर है, मोटका वाला, खून पीने वाला। तुम्हारा भाईचारा, आपका तारीफ कर रहे थे सर। दिख रहा है हमको, तुम ज्यादा नखरा मत करो, यहाँ ना थाना है, कोनो होटल नहीं है, और दोस्ती कर लो इन मच्छरों से, कहा है कि बहुत लंबा सजा होने वाला है तुमको। महिला पुलिस थाना है, लखनऊ का बेस्ट पुलिस थाना। सही बात है, है ये। नहीं मतलब सर ई ऐसा कहता है। ई बोल रहा है बहुत मजा आने वाला है उसका थाना का नाम मिट्टी में मिलते हुए देखने का। लोगों से थू थू ना करवाया ना तो हमारा नाम भी बुलबुल पांडे नहीं। क्या कह रहे हैं? हे भगवान मदद कीजिए हमारा। ए भाई, ए भाई, अच्छा एक बात बताओ यार, चंडाल जैसा इंसान कौन लगता है तुम्हारा? अरे चंडाल बिस्खोपड़ा हमारा जीजा है। अरे गलत हाथ में चली गई दीदी ना भाई, अब याद मत दिलाओ मन उस दिन। लेकिन कोई बात नहीं, तुम सही बदला ले रहे हो, ठीक है। गिन गिन के ले रहे हो तुम। संतु जी आ गए। थोड़ा काम था प्लीज। थैंक यू। जानते थे कि महिला पुलिस थाना में हमारे बिना अकेले आपका दिल नहीं लग रहा होगा संतु। एक पैर पर भागते हुए आई हमसे मिलने के लिए। आई देख भाई, भाई पोटली देख, ये पोटली में ना अपना हाथ से खाना बनाकर लाई है हमारे लिए। संतु जी कब आई है? खाना नहीं लेकर आई हूँ, रिपोर्ट लेकर आई हूँ, तेरे सिग्नेचर चाहिए। भाभी गुस्सा है लगता है, पेन लाओ ना। वैसे भी मुझे लगा तू यहाँ बैठे बैठे मच्छर ही मार रहा होगा, इससे अच्छा थोड़ा काम कर ले। वाह क्या बात है, देख लॉकअप में भी बैठकर काम कर रहा है, और एक तू है जो यहाँ निकम्मा नकारा लाचार और मुफ्त खोर बैठ के यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। सर ऐसा आप कहते हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते तो। अरे होते तब ना, इतना बड़ा बड़ा गाली दे दिया हमको। चीते तू टेंशन मत ले, तुझे बेगुनाह साबित कर देंगे। वो जो नमन है ना वो अपनी टीम पे आ गया है। अपनी टीम में आ गया है सब? फिर हम लोग मैच खेल रहे हैं क्या? क्या अपनी टीम में आ गया? ये भक तुझे फ्री करने के लिए यहाँ से, नमन अपनी साइड आ गया, रेडी हो गया कन्फेस करने के लिए। सीना हम भी बहुत सीना चाहते हैं आप, मतलब कि हम भी बहुत देखना चाहते हैं आपको संतु जी, लेकिन यहाँ पर नहीं, अपना थाना नहीं है ना, महिला पुलिस थाना आएंगे तो आपको जी भर के देखते। चली जाइए जब तक आंख बंद किए, निकल जाइए। वैसे भी तूने जो किया है ना, अंदर ही रहना चाहिए तू। बाय संतु जी। जय सर। महिला पुलिस थाने वाले जरूर इको बाहर निकालने के लिए कौन खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन शायद भूल गए हैं कि बुलबुल पांडे के शिकंजे में अगर कोई फंस जाए तो लाख कोशिश कर ले निकाल नहीं पाएंगे। मैडम वो भैंस का गोबर है ना, मैंने पैक बंद करके लाया टिफिन में, बिल्कुल बदबू नहीं आएगी। हाँ मैं सोच रहा हूँ। तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो? इसको अच्छी चाय पिलाने लाया था तो ठीक है, लगे रहो। अबे चपड़गंज कहाँ से आ रहे हो? अरे दिख नहीं रहा है, टिफिन लिया है, टिफिन का धंधा शुरू किया इसने, कब तक चोरी चिकारी करेगा? बहुत सही, कब्रिस्तान में कब्र खोदने का भी धंधा शुरू किया, तेरे लिए खोदूं? बात करते हैं। टिफिन में क्या? टिफिन में दिखा ना क्या? टिफिन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एकदम खाली है। देख देख बिल्ले, झूठ बर्दाश्त नहीं बुझे। देख बिल्ले सच सच बता दे, टिफिन में क्या है? कुछ तो तू छुपा रहा है हमसे, जल्दी बोल। आतंकवादी सटक ले। ए नहीं बताऊंगा तो खुजाएगा तू? खुजाएगा नहीं, तेरे सारे राज मैडम सर को बताएगा और हम भी बताएंगे। अब बोल। मेरे सारे राज? अच्छा ये मुझे देखो, किसी को बताना मत। नहीं, इस टिफिन के अंदर एक नायाब चीज है। ये नायाब चीज मैंने नायाब के लिए नवाब के लिए मंगवाई है। हाँ, हिमालय के अलग अलग वादियों से 626 जड़ी बूटियों से बना है। इसको पता है क्या बोलते हैं?
यमन प्राश यमन प्राश कैसे इस यवन प्राश का सेवन करने से इंसान का यवन कायम रहता है, बरकरार रहता है, जवान रहता है इंसान। अरे तभी मैं सोचूं, ओ नवाब की जवानी खत्म ही नहीं हो रही है, बेगम पे बेगम बनाए जा रहा है वो। यस बिल्लू भाई, बिल्ला भाई, बिल्लू भैया भाई हो। अपने दोनों भाइयों को भी थोड़ा थोड़ा यवन प्राश दो ना। थोड़ा थोड़ा। अच्छा थोड़ा 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 थोड़ा। मेरे राज बताने वाले थे ना मैडम सर को। कौन सा राज? कैसा? किसका राज? बिल्ले मैं तेरे सामने रिक्वेस्ट करता हूँ, माँ का, बाप का, दादा का, सबके तरफ से मैं माफी मांगता तेरे को। प्लीज मेरे को ये यौवन प्राश दे दे यार। एक 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 चम्मच ले लो। ठीक ठीक। बाबू चम्मच दो, चम्मच। एक एक चम्मच का 100 रुपए। 100 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है तो ठीक है। मत रुक 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 रुक। 100 क्या? पैसे दे। बिल्लू अपना भाई है। दे दो बिल्लू अपना भाई है। खोल खोल, नायाब चीज है। अबे बिल्ले, ये टिफिन से इतनी बदबू क्यों आ रही है? बदबू? प्राचीन जड़ी बूटी का अपमान इंसल्ट नहीं मिलेगी। बिल्लू मेरे भाई, नाराज मत हो, सच बताइए बदबू क्यों आ रही है? अभी देखो ये बदनाम, बदनाम रोज रोज नहाता नहीं है तो इसके बदन से बदबू आती है। तो ये जड़ी बूटी प्राचीन जड़ी बूटी है तो ये बरसों तक नहीं होगी ना, तो बदबू तो आएगी नहीं। अरे इसको सूंघोगे ना तब भी उड़ जाएगी। सुंघाओ। अच्छा ये लो सुंघो। आई 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 आई, ऊर्जा का संचार हो रहा है। ले लो, तुम भी ले लो। नहीं नहीं सही है। आई ऊर्जा। इसको हम खा सकते हैं? खा सकते हैं। अरे ये यवन प्राश है, इसको सेवन करना होता है, प्राशन करना होता है, खा नहीं तो सेवन करें। एक कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी जवान हुआ हूँ। चारों दिशाओं से ऐसे जवानी फूट फूट जा रही हर जगह। यस जवानी, यस जवानी, हर जवान हुआ हूँ अभी। वैसे इतनी शक्ति किसी, हाँ अच्छा लगा ना? हाँ बहुत अच्छी। बिल्लू अपना भाई है। चल, अरे एक मिनट। हेलो, मैं पहुंच ही गया हूँ, आप टर्न करके देखना, मैं सामने ही मिलूंगा आपको। हाँ हाँ मैं उड़ जाऊंगा। हाँ उड़ जाऊंगा। ये देख, ये चलो बिल्लू। हे हमारा कोई है? इतना सन्नाटा का है आज? हाँ आज एकदम खाली खाली क्यों है? मतलब उस दिन तो एकदम भरा पड़ा था, कस्टमर आ रहे थे, जा रहे थे, खाना खा रहे थे, पी रहे थे, आज एकदम खाली खाली ये देखो आ गए। बिल्लू जी, आपने हमारे इतने सालों की मेहनत पर गोबर फेर दिया। हम कितनी बार भी नहाए, हमारे शरीर से गोबर की बदबू जा ही नहीं रही, और कस्टमर तो बाहर ही से भाग जाता है गोबर की बदबू सूंघ के। उसको लगता है कि हमने रेस्टोरेंट नहीं तबेला खोल लिया है, और तो और पूरा स्टाफ ही छुट्टी पे चला गया। देखो नो टेंशन, अभी हमने आपके लिए ताजा ताजा गोबर मंगाया है। मतलब जैसे भैंस ने छोड़ा वैसे ही मैंने जमीन पर लगने से पहले लपक लिया, तो ये ताजा ताजा है, लगा लो। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ले लो। बिल्लू जी प्लीज डोंट माइंड, हमें ये आपका गोबर नहीं चाहिए। ये मेरा गोबर नहीं है, भैंस का गोबर है। अरे यार अब जो भी हो, भैंस को हमें नहीं चाहिए। हम अजीब तो पात नहीं हो तुम, ऐसे तो धाड़े मार मार के बोल रहे थे कि हाँ हम कॉपरेट करेंगे, हम कॉपरेट करेंगे, और अब देखो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं आप। देखो ऐसा है, जज्बात से समझा रहे, समझ लो, वरना चुप रहो, वरना हमारा डिपार्टमेंट अलग है, हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ घूसे और लात का है, समझ रहे हो? का नमन नमन उजड़ा चमन। बुलबुल? हाँ बुलबुल, क्या हुआ? मैं मनहूस आदमी यहाँ क्या कर रहा है? बिल्ले कहाँ छुपा है? छुपो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बिल्ले कहाँ छुपी? ये इधर है। वाह बहुत बढ़िया बना। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.